गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अभी इसके बाद चलती हूँ घर की, थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। गोवा चली गई थी, उसके बाद जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी से कंटिन्यू करूँगी, हमेशा ब्लॉग लेके आऊँगी। तो चलिए थोड़ी सी मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। तो अभी एक रूम में मैंने साफ़ कर दिया है, अभी जा रही हूँ दूसरे रूम में, इसको भी ऐसे साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से सफाई तो डेली नहीं हो पाती है, हफ्ते में एक बार या फिर 4 से 5 दिन में, जब भी ऐसा लगता है कि अभी साफ़ करने की ज़रूरत है तो इस तरीके से मैं साफ़ कर देती हूँ। और फ्रिज जो है हफ्ते में एक बार साफ़ करती हूँ। और पीछे इतना सारा बर्तन मैंने धुल के रखा है सूखने के लिए, तो अभी बर्तन सूख चुके हैं, इनको मैं अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि जो है ये रात के बर्तन हैं। और अभी जो हमने ब्रेकफास्ट किया है वो बर्तन मैंने साफ़ नहीं किया है, तो ये सारा रखने के बाद अभी जो बर्तन साफ़ करने बचा है वो साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे आज हमारा ब्रेकफास्ट जो है बहुत काफ़ी सिंपल था, तो बर्तन भी ज़्यादा जूठा नहीं हुआ है, थोड़ा ही बर्तन है, उसको जल्दी जल्दी से मैंने साफ़ कर लिया, घर की साफ़ सफाई भी हो गई है। इसमें मैंने सिर्फ बेसन लिया है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और उसमें रोज़ वाटर मिक्स किया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दही डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और ये वाला फेस पैक जो है बहुत ईजी है बनाने में और फट से हो जाता है, और इसका असर सबसे ज़्यादा दिखता है। जब भी मुझे टाइम कम होता है तो मैं ये वाला फेस पैक लगाती हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पर दही लगा के छोड़ देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये दोनों। और क्योंकि नहाने जा रही हूँ तो नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और सूखने तक का छोड़ दूंगी। तो मैं आपसे नहाने के बाद मिलती हूँ। क्योंकि मैंने फेस वॉश कर लिया है, नहा लिया है, तो सबसे पहले रोज़ वाटर लगाऊंगी। और आजकल मैं ये वाला क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मैंने यूज़ भी कर लिया है, और इससे पहले भी मैंने इसको यूज़ किया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं सेकंड टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं बन बना लूँगी, क्योंकि अभी जा रही हूँ किचन में लंच बनाने। तो सबसे पहले कुकर में दाल बनने के लिए रख दूंगी। और सारे मसाले डालने के बाद मैं जो है टमाटर भी जो है इसी के साथ डाल देती हूँ, तो ये टमाटर भी अच्छे से इसमें पक जाता है। और इसके बाद 3 से 4 सीटें जब तक लगेंगी तब तक मैं इधर बातें कर रही हूँ बैठ के। दाल बन चुकी है और चावल एक साइड रख दिया है बनने के लिए, और एक साइड जो है चपातियां बना ले रही हूँ फटाफट से। वैसे दोपहर में चपाती हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, एक एक चपाती, दो दो चपाती खाते हैं, तो इसलिए फटाफट से जो है चपाती बनाऊंगी। और क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाया है तो हम लोग जो है टमाटर की चटनी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टमाटर की चटनी, और दाल चावल चपाती बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद मैं बना रही हूँ टमाटर और हरी धनिया की चटनी, और फिर मैं लंच करने के बाद, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेने बिग बाज़ार जाना था, तो चलिए वहीं मिलती हूँ आपसे। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सब्जियां और फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो इधर मैं अभी सब्ज़ी ले रही हूँ,
तो अभी मैंने सारी सब्जियां ले ली है और ये भैया प्राइस स्टिकर लगा रहा है विथ बार कोड, और इसके बाद बिलिंग करवा के फिर हम आपसे घर पे मिलते हैं। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये सारा सब कुछ मैं निकाल के जो है रख दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे छोड़ देती तो फिर पड़ा ही रह जाता, तो तुरंत आके सामान रखना सही रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो ये रही सारी सब्जी, अभी मैं रख देती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, अपना ध्यान रखना।